नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश ठाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रुपा मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी की। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1855 पर कारोबार कर रहा है और सिल्वर भी 24.99 डॉलर पर कारोबार करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर उसी उस पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में कल के मुकाबले आज जो है वही वाले लगभग मान के चले कि वही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल US का रिटेल का यानी कि US का रिटेल सेल्स का जो डेटा है वो एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिला है अक्टूबर के महीने में जो अब रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पर ये जो दबाव है ये पड़ता नज़र आ रहा है। हालांकि हमने दिवाली के बाद से ही देख लिया था कि सोने चांदी की कीमतों में खरीदारी बनती नज़र आई थी। धनतेरस के दिन घरेलू बाज़ारों में हाजिर में जो सोना था उसकी खरीदारी ज़्यादा देखने को मिली थी, तब जो लेवल्स थे वो थोड़े नीचे थे, लेकिन अब की बात करें तो अब जो लेवल्स हैं वो थोड़े पहले के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। तो आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, खरीदारी फ़ायदा देगी या बिकवाली, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी गुड मॉर्निंग रूपा जी, देख रहे हैं आज भी सोना लगभग कल वाले लेवल्स पर ही कारोबार करता नजर आ रहा है, वहीं चांदी में भी कल वाले लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है सोना चांदी की कीमतें इस हफ्ते तक कहां तक बढ़ पाएंगी या फिर घटती नजर आएंगी? सोने चांदी में देखिए तेजी का ही दौर है और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से यही बात करते आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो दिवाली से पहले से ही ये बताती आ रही हूँ कि सोने और चांदी के अंदर निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चले, लेकिन कल एक अच्छी खासी रैली के बाद सोना टूटता हुआ जरूर दिखाई दिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बार फिर से $1860 के नीचे जरूर लुढ़का है, लेकिन स्टिल अभी भी जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोने के अंदर तेजी बन सकती है। लेकिन जो ये अभी गिरावट आई है क्योंकि डॉलर एक बार फिर से स्ट्रेंथ लिया है, रिटेल सेल्स का जो आंकड़ा आया है उससे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई और फिर गोल्ड जो है ऊपरी स्तरों पर लुढ़क गया। तो अभी जो है इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रेशर कंटिन्यूशन में जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है। $1860 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको $1880 से $1900 तक ले जा सकती है। और हफ्ते के एंड आखिरी की बात करें तो इस हफ्ते के आखिर तक मुझे लगता है कि सोना $1840 से $1860 की रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है और 1860 के ऊपर निकलता है तो एक लंबी तेजी की तरफ जा सकता है। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी सोने और चांदी के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। ऊपरी स्तरों पर अगर बाजार फिसलता है तो निचले अगर लेवल मिलते हैं तो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं $1840 के अराउंड, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि $1880 से $1900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी यही से रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल का बाजार आज कहीं ना कहीं टूटता नजर आया है। खबर है कि जो प्रोडक्शन है कई जगहों से वो बढ़ने का अनुमान है। दूसरा, अब 2022 के लिए जो एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं सप्लाई की वो ओवर सप्लाई की लगाई जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कच्चा तेल मंदी में जाके रुकेगा या तेजी में? देखिए अभी जो सिनेरियो बन चुका है वो वापस से गिरावट का आ गया है। कच्चे तेल में जो तेजी आ रही थी उस पर अब ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है और लगातार कल के दबाव के बाद आज भी कच्चा तेल प्रेशर दिखाता हुआ नजर आ रहा है और $80 के नीचे एक बार फिर से लुढ़क चुका है। एक तो डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है इस वजह से भी गिरावट बढ़ती नजर आ रही है, और दूसरा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोडक्शन अब बढ़ जाएगा, और तीसरा US के जो स्टॉक पाइल्स का वो जो डाटा है वो भी अभी आना है तो उसके ऊपर भी काफी नजरें बनी रहेंगी। तो इसलिए मिला जुला सा अभी रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड अब नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। $78 एक अहम सपोर्ट है टेक्निकली अगर हम बात करें तो, $78 के नीचे लुढ़कता है तो फिर गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। आज इंट्राडे में भी दबाव जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है, एक बार हो सकता है आपको 5860 तक क्रूड लुढ़कता हुआ दिखाई दे, लेकिन रैली अच्छी आई थी। अब जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं वो खबरें जो है वो दबाव डालती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है और अब 5860 तक आज नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यही से रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में आज लाल निशान पर है। हालांकि अगर बात करें MCX की तो MCX पर जो बेस मेटल्स है वो कुछ हरे निशान पर तो है, लेकिन लेवल्स
ज्यादा तेज देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है आज इंटरडे में बेस मेटल्स में कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए इंट्राडे में दबाव बनता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से बाजारों का सिनेरियो देखने को मिल रहा है और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में डेटा निकल कर आ रहा है उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज सभी बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना चांदी हो या फिर बेस मेटल ऊपरी स्तरों से लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद बेस मेटल्स में फिलहाल मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर एक बार फिर से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर की बात करें तो 728 से 725 की रेंज डाउन साइड में आज इंट्राडे में जा सकती है और ऊपर में 738 तक का मैक्सिमम अपसाइड इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखने को मिल सकता है, तो फर्स्ट हाफ में गिरावट बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर बात करें निकल की, तो निकल अगर 1480 के आसपास आता है तो वापस से बाइंग आनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहां पर फिर से बाई किया जा सकता है और 1540 तक 1520 तक ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो भी डिप आती है उस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी मुझे लगता है ऊपर में 206 तक जा सकता है। वहीं अगर बात करें जिंक की तो जिंक में भी ऊपर में 278 तक का स्तर संभव है, नीचे में 270 का सपोर्ट है, 270 के आसपास मिले तो वहां पर बाइंग करें, ऊपर में 278 तक के टारगेट्स आने वाले एक दो दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे नेचुरल गैस का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है हफ्ते के अंत तक? देखिए जहां तक नेचुरल गैस की बात है, नेचुरल गैस में भी जो है ऊपरी स्तरों पर जो दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था वो अब कंटिन्यूशन में है। एक बार फिर से आज बाजार 3% लुढ़क चुका है। मैंने पहले भी यही बताया था कि नेचुरल गैस के अंदर फिलहाल बाइंग को अवॉइड करें, थोड़ा बहुत जो भी बाउंस बैक आता है वहां पर सेलिंग की रणनीति होनी चाहिए। आज भी नीचे में मुझे लगता है कि अब ऑलरेडी 3% लुढ़क चुका है मार्केट और जो नीचे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 360 के आसपास है, तो 360 के आसपास एक बार सपोर्ट ले सकता है मार्केट। लेकिन तेजी नहीं है नेचुरल गैस में, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रणनीति लेकर चलना चाहिए। रूपा जी, हमने हाल ही में सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दाम घटाते देखा है, हालांकि इससे जो केंद्र सरकार है उसको राजस्व में काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन जहाँ पे देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को भी कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा था। एक महीने में लगातार काफ़ी बार 35-35 पैसे करके पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी। पेट्रोल डीजल के साथ साथ हमने CNG की भी कीमतों में बढ़ोतरी देखी है और जो हम पाइपलाइन गैस जो घरों में यूज़ करते हैं उसके भी जो दरें हैं वो भी अब बढ़ा दी गई हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है नेचुरल गैस की कीमतें आगे जाके बढ़ेंगी, क्या इसका प्रभाव CNG और जो PNG यूज होती है उस पर पड़ता नजर आ पाएगा? देखिए अभी फिलहाल नेचुरल गैस की कीमतों का बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट जो है इसके वजह से नहीं आता दिखाई देगा, ऑलरेडी बाजार नीचे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अगर कम हुई है तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है। आप ये देखिए बड़ी कितनी है और उसमें अगर छुटमुट अगर आपने कटौती भी की है तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल जो है कुछ एक टाइम पीरियड के लिए आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया है क्योंकि कच्चा तेल भी ऊपर जा रहा था, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, नेचुरल गैस में भी तेजी बनती दिखाई दे रही थी, इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए ये रास्ते अपनाए गए हैं कि जिस तरीके से US की तरफ से कहा गया कि क्रूड की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को बढ़ाया जाए और वैसे उसी का ही इम्पैक्ट हमने देखा कि अब इसके बाद कीमतों को के ऊपर कंट्रोल हुआ और बाजार नीचे आते हुए दिखाई दिए। और अभी जहां तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात है मुझे नहीं लगता कि सस्टेन होंगी नीचे, एक बार फिर से वापस से देखिएगा आप तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और आगे वैसे भी इलेक्शन है तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय आते हुए दिखाई देंगे इन सब चीजों के, जो रोजमर्रा की चीजें हैं तो उनके ऊपर डेफिनेटली सरकार जो है वो कंट्रोल करेगी ताकि कीमतें बहुत ज्यादा हाइक ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की भी उम्मीद नहीं है। और जहां तक हमारे नेचुरल गैस की बात है, नेचुरल गैस के अंदर मुझे लगता है कि दबाव कंटिन्यूशन में रह सकता है, ये दिसंबर तक नेचुरल गैस प्रेशर में कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है। जी हिजे रूपा जी, आपसे सोने चांदी के ऊपर एक सवाल पूछना चाहूंगा। हमने हाल ही में देखा है कि हिंदू मान्यता के अनुसार अब देव उठान हो चुका है, शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो शादी ब्याह में देखते हैं कि ज्वेलरी का सोने का एक अलग ही महत्व होता है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अब शादियों में सोने की जो डिमांड निकलेगी साल 2021 के अंत तक और 2022 के शुरुआत में कैसी देखने को मिल सकती है और इसका असर जो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग देखते हैं उस पर कितना पड़ता नजर आ सकता है? देखिए सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो पहली बात भारतीय बाजारों की डिमांड पर निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि सोना और चांदी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के ट्रिगर से चलते हैं
और जो भारतीय बाजारों की डिमांड है वो अब फेस्टिवल सीजन है, शादी ब्याह का सीजन है, उसमें बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा कल्चर है, उसमें शादी ब्याह में सोना एक अहम चीज माना जाता है। तो इसलिए डिमांड का, हमारे भारतीय डिमांड का प्राइसेस के ऊपर कोई असर नहीं है। और जो ये सोने और चांदी की कीमतें तय होती हैं, ये विदेशी बाजारों के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है या करेंसी की जो वैल्यू है उसके बेस पर तय होती हैं। और अभी जो अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। आने वाले अब त्योहारी सीजन के अंदर, शादी ब्याह का अगर जो ये सीजन है दिसंबर के अंदर, तो इसमें डेफिनेटली डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई देगी। लेकिन प्राइजेस के ऊपर इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ हम नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि प्राइजेस जो है वो कॉन्टिन्यूशन में बढ़ते ही आपको दिखाई देंगे। और 2021 के एंड की बात करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको 49,000 से 50,000 के बीच में ही सस्टेनेबिलिटी बाजारों के अंदर आती हुई दिखाई देगी। जी, तो यानी कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं अब वो आगे बढ़ती ही नजर आएंगी। रूपा जी, बात एक सिल्वर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि सिल्वर एज अ प्रेशियस मेटल तो ट्रीट की ही जाती है, इसी के साथ साथ सिल्वर का बेस मेटल्स में भी अपने एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। हम देखते हैं कि सिल्वर को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। और अब जब साल 2021 में जब 1 फरवरी को बजट लॉन्च हुआ था, पेश हुआ था, तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और रूपा जी, हमने बचपन से लेकर पढ़ा है कि सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर की एक सीजन त्योहारी के मांग के साथ साथ क्या एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी उठते हुए नजर आएगी जो सिल्वर को एक बार फिर से पिछले रिसेंट हाइस से नए हाइस पे लेके जाएगी? देखिए, अगले सिल्वर की जो डिमांड है वो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल, सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है और प्रीशियस मेटल भी है। हमेशा से हम देखते आए हैं कि जब भी हम सोने और चांदी की बात करते हैं तो चांदी में हमेशा हमने देखा है कि सोने से ज्यादा रिटर्न मिला है, क्योंकि उसकी डिमांड दो जगह पे होती है, एक प्रीशियस मेटल के रूप में और एक इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में। और अब जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें की जा रही है, उसमें यूज की बात की जा रही है इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड जो है आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी और प्राइजेस भी सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। एज कम्पेयर टू गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि आगे अगर आप 1-2 साल का और थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखेंगे कि सिल्वर एक ऐसा मेटल बनता हुआ दिखाई देगा जो सोने से ज्यादा और बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल के पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि सिल्वर ने सोने से ज्यादा रिटर्न भी दिए हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे फॉलो होता हुआ दिखाई देगा और चांदी की कीमतें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर इस तरीके से इसकी यूजेज में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो डेफिनेटली चांदी की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और कीमतें आपको एक नए हाई छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, आपसे टॉपिक जानना चाहूंगा आज नॉन एग्री कमोडिटीज के, जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए, आज नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप मिले तो सोना चांदी में ही आपको गिरावट के अंदर बाइंग की रणनीति रखकर चलना चाहिए। आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। वहीं बेस मेटल्स भी अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि निकल अगर डिप मारता है, 1500 के नीचे लुढ़कता है 1480 के अराउंड, तो वहां पर निकल के अंदर भी बाय करके चला जा सकता है। जी, तो ये तो बात करती है हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।